हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे भिन्नों के बारे में। मैंने आप सभी को भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना सिखा चुका हूँ। आज मैं आप सभी को भिन्नों का सरलीकरण के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। भिन्नों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों का सरलीकरण अंतर्गत हम दो तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। एक होगा हमारा बिना कोष्टक वाला और एक होगा हमारा कोष्टक वाला। कोष्टक वाले भिन्नों को कैसे हल करेंगे, तो हम डीमास का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बोर्ड मास में पढ़ाया था, डीमास का मतलब पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और अंतिम में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, बिना सरलीकरण वाले भिन्नों को हल करेंगे। और एक देखिए, ये हमारा मिश्रित भिन्न है, ये भी मिश्रित भिन्न है, ये भी हमारा क्या है, मिश्रित भिन्न। अब इसे हम विषम भिन्न में बदलेंगे। देखिए, अब ये हो गया हमारा 4 3 12, 12 1 13, 13/4 -5, 5 2 7, 7 बट्टा 5, और गुने 14 5 14, 14 11 25, 25/14। अब यहाँ देखिए, हमारा क्या ये गुना है, और ये हमारा सॉरी ये हमारा माइनस में है, ये गुना में, और ये प्लस में। हम पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे, उसके बाद हम इसे हम सॉल्व करेंगे क्रमशः। तो 13 माइनस, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 7 है, यहाँ 14 है, तो 7 से 14 कट जाएगा, 7 ना 14, और 5 से 25 कट जाएगा, 5 से 25। तो यहाँ देखिए माइनस ऊपर क्या लगेगा हमारा 5, और नीचे हो गया हमारा 2। अब देखिए, हमें भिन्न को घटाना है। तो जब भी हम भिन्न को जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले हम हर को बराबर बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसका हर बराबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देते हैं। तो 13/4, अब यहाँ देखिए हम 2 को इससे गुना करें तो 4 बन जाएगा, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो ये हमारा 5 गुना 10 हो गया, और नीचे हो गया हमारा 4। अब देखिए, इस दोनों का क्या हुआ, हर बराबर हो गया, तो हम घटा देते हैं, 13 में से 10 गया, तो 3 3/4, यानी इसका आंसर हो गया हमारा 3/4। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे माइनस प्लस गुना एक साथ हो भिन्नों में, तो हम पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद प्लस, उसके बाद हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए, बात याद रखना, जब भी हम भिन्नों को जोड़ेंगे घटाएंगे, तो उसका हर बराबर होना चाहिए। गुना और भाग में हर का मतलब हमें हर बराबर से मतलब नहीं है। लेकिन नंबर 2 देखिए, हमारा यहाँ मिश्रित भिन्न है, यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है, यहाँ मिश्रित भिन्न है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, यहाँ क्या हमारा माइनस का चिन्ह है। तो पहले हम क्या करते हैं, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। तो 2 1 2, 2 1 3, 3/2 भाग 2 1 2, 3/2 गुने 2/3 गुने 1/4 -1/4। अब देखिए यहाँ क्या है, डिवाइड का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, पहले भाग कर, इस दोनों के बीच भाग कर लेते हैं। तो जब भी हम भिन्नों को भाग करेंगे, तो क्या करेंगे, हम डिवाइड का जो चिन्ह है उसे हम क्या करेंगे, भाग का चिन्ह को हम गुणा चिन्ह में बदल देंगे, और इसके पछाड़ी वाले संख्या को क्या करेंगे, भिन्न को उल्टा देंगे। तो 2 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, गुणा में ये क्या हमारा 2/3, तो ये हमारा -1/4। तो यहाँ देखिए, इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, और इस 3 को इस 3 से काट दिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या हुआ, हमारा 1 तो होगा ना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 को भाग करेंगे 1 से, तो 1 ही होगा ना, तो 1/2 प्लस 1, ये गुणे में है, तो 2/3 -1/4। यहाँ देखिए, 1/2 प्लस 1 गुने 2/3 -1/4 है, तो हम पहले क्या 1/2 लिख लेते हैं प्लस, अब 2 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ यहाँ चलो नीचे भी हमारा 1 है, तो हम गुना करेंगे, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, नीचे हम 3 को गुना करेंगे तो 3 -1/4। अब देखिए, 1/2 है इसका, और इसका 1/3 है, और इसका 1/4 है, सॉरी इसका 2/3 है, तो प्लस पहले लेंगे, यहाँ तो माइनस है, यहाँ प्लस, पहले हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो देखिए, इस दोनों को हम क्या करते हैं, तिरिए गुना कर लेते हैं, तो 1 को भी हम 3 से गुना करेंगे 3, और नीचे 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, प्लस 2 को हम 2 से गुना करेंगे तो 4, और इसको 2 को 2 से हम 3 को गुना करेंगे तो 6 -1/4। तो देखिए, इस दोनों का क्या हुआ, प्लस में हर बराबर हो गया, तो हम क्या करते हैं, अंश को जोड़ देते हैं, तो 4 3 7, 60/6, और -1/4। अब यहाँ देखिए, भिन्न को घटाना है, तो भिन्न को घटाएंगे तो यहाँ हर बराबर नहीं, तो हम हर बराबर करते हैं, तो इसको हम 6 को 2 से गुना करेंगे 12 बन जाएगा, और 4 को भी 2 से गुना करेंगे तो 12 बन जाएगा। तो ऊपर भी हम 2 से गुना कर देते हैं, 7 2 14, और नीचे 6 को 2 से गुना करते 12 माइनस, इसे हम 3 से गुना करते, ऊपर 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, और नीचे करेंगे 4 को 3 से गुना, 4 3 12। अब देखिए, इसका हर क्या हुआ, बराबर हो गया, तो हम क्या करें, 14 में से 3 घटा देते थे, 11/12 इसका आंसर आ गया हमारा। नंबर 3 देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, 75/5 भाग 5/3 प्लस 3/3 भाग 10। यहाँ 2 जगह भाग है, तो हम 2 जगह भाग करेंगे पहले। तो देखिए, 75/5
अब जब भी हम भिन्न को भाग क्या करेंगे कि भाग चिन्ह को हम गुणा के चिन्ह बदल देंगे और पछाड़ी वाले संख भिन्न को हम पलट देंगे, यानी हर को अंश अंश को हर बना देंगे। ये हो गया 3/5 प्लस 3/3, और ये भी क्या हमारा भाग है, तो भाग चिन्ह को हम गुणा चिन्ह में बदल देंगे। तो यहाँ देखिए ये 10 है तो इसके नीचे एक छिपा रहता है, ये 1 हो गया। तो आप क्या करेंगे, ये तो आप पलटेगा तो ये 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम, आप काट देंगे तो ये देखिए 75 कट जाएगा 5 से, तो 15 3 75 यानी 15 हो गया, और ये 3 से 3 कट गया। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे हम, 5 से 15 को फिर काट देते हैं। तो चलिए एक एक बार में एक स्टेप लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या बच गया, ये 15/5 × 3, और ये तो 5 कट गया था, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 छिपा रहता है। चलो यहाँ यहाँ तो क्या 1 बच गया, अब 1 से 1 को गुना करें 1 ही होगा, और बट्टे में हमारा क्या हो गया, ये 10। अब यहाँ देखिए 15 को भी हम क्या करेंगे, 5 से काट देते हैं, तो 5 3 15, तो ये हो गया 3 × 3 1, इसके नीचे भी 1 है, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, 1 छिपा रहता है, 1/10। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, हम पहले गुना कर लेते हैं, 3 3 9, ये 9 9 प्लस 1/10, यहाँ 9 है, इसके नीचे क्या है, 1 छिपा रहता है। तो देखिए इसका क्या है, अब जोड़ेंगे भिन्न को, तो इसका हर क्या है, 1 है, इसका 10 है, तो इसका हर बराबर नहीं है, तो 1 को हम 10 से गुना करते बराबर हो जाएगा, तो 9 को भी हम क्या है, 10 से गुना करेंगे, तो 10 9 में 90 हो गया, और ये नीचे हो गया हमारा 10 प्लस, ये तो पहले ही 10 है, इसके हर तो इसको हमें कुछ नहीं, ऐसे ही उतार दिए। अब 90 प्लस 1 91, और ये हो गया हमारा 10। तो देखिए हम अब इसे क्या करते हैं, मिश्रित भिन्न में आंसर लिख देते हैं, तो 10 9 में 90, और 90 में से 91 से 90 गया तो 1, और ये हो गया हमारा 10, यानी मिश्रित भिन्न में इसका आंसर हो गया 9 से 1/10। नंबर 4 देखिए, यहाँ क्या है, मिश्रित भिन्न है, ये भी मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न है, ये भी हमारा मिश्रित भिन्न है, तो यहाँ क्या है, यहाँ गुना भी है, भाग भी है, जोड़ भी है और प्लस भी है, यानी सब है, द्विमास का सब कुछ है। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे, और क्या करेंगे, भाग भी करते जाएंगे साथ साथ। तो देखिए 9 5 45 45 4 49/9 माइनस 3 1 3 3 2 5 5/3 गुने 9 18 18 3 21 21/9 प्लस 4/5। अब देखिए हम इसे क्या करें, भाग करना है, तो भाग करने से पहले क्या करेंगे हम, इसको भाग चिन्ह गुना चिन्ह बदल देंगे, और इस वाली संख्या क्या करें, पलट देंगे, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, यानी उलट जाएगा, अंश हर अंश बन जाएगा। अब यहाँ देखिए हमने ऐसा कर दिया, आप क्या करें, भाग देते हैं, तो 5 3 15 2 2 4 ऊपर हो गया हमारा 2। अब देखिए 49/9 माइनस, यहाँ भी हम क्या करते हैं, यहाँ भाग तो हम कर ले, आप क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए हमारे ये 7 3 21 कट जाएगा, तो हो गया। अब नीचे क्या बड़ा, 5 और 9, तो 5 9 तो नहीं कटेगा दोनों किसी संख्या से, तो हम 5 और 7 गुना कर 7 5 6 35, अब बट्टे में हमारा 9 हो गया। अब प्लस यहाँ देखिए, यहाँ 2 है और 3 है, तो 2 और 3 6 हो गया, नीचे कुछ नहीं है, तो क्या हुआ हमारा 1। अब देखिए यहाँ कि इस दोनों का क्या है, हर हमारा क्या है, समान है, तो हर समान है, तो हम पहले घटा लेते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 49 में से 35 गया, तो 14/9 और प्लस 6/1। अब यहाँ देखिए इस दोनों का हर क्या है, बराबर नहीं, तो हर बराबर नहीं, तो हम 1 को किस संख्या से करेंगे, गुना करेंगे कि 9 बन जाए, तो 9 से हम गुना करेंगे तो 9 बन जाएगा हर इसका, तो 9 प्लस 6 को 9 से गुना करेंगे तो 9 6 54 54/1 को 9 से गुना करें 1। अब हम क्या करें, जोड़ लेते हैं, तो 4 4 8 6 और 68 / 9। अब इसे क्या करें, मिश्रित भिन्न में आंसर लिखते हैं, तो 7 9 में 63 और 63 में से हम क्या करते हैं, 63 में 68 घटे तो 5 बच गया, यानी इसमें इसे हमारा आंसर हो गया ये 7 से 5/9। नंबर 5 देखिए, यहाँ एक अलग तरह का हमारा एक क्वेश्चन है, देखिए यह का है, यह का है, तो हम बिना कोष्टक वाले में हम का भी पढ़ेंगे, हमने बोर्ड मास में का का मतलब क्या पढ़ाता है, गुना करेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ तो भाग है, तो पहले भाग नहीं, पहले हम का पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ा था बोर्ड मास में, बोर्ड मास हमने क्या पढ़ा था, ऑफ का मतलब का होता है, तो पहले का करेंगे तब ना भाग करेंगे, तब ना गुना, तब ना ऐड, तब ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले हम का क्रिया करेंगे। यहाँ देखिए 5 प्लस 3/5 भागा, अब इसे क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में बदल देते हैं, 3 9 6 6 1 7 7/3 का मतलब क्या हुआ हमारा गुना, तो का 4/5 का
3/4, यानी कि ये यहाँ का मतलब क्या होगा हमारा गुना है, तो ये समझ लिए यहाँ कि ये गुना है, तो हम यहाँ दिखाएंगे नहीं इसे, तो यहाँ गुना है तो इसे हम इसे करके काट सकते हैं, और इस 3 को इस 3 को भी काट सकते हैं, क्योंकि ये तीनों भिन्न क्या हमारा गुना में है, यानी समझ लीजिए कि ये गुना में है, ये गुना में, तो गुना में ये और ये कट गया और ये भी कट गया, तो हमारा ऊपर क्या क्या बच गया, यहाँ हो गया हमारा 5 + 3/5 भाग, देखिए यहाँ 7 है और कुछ नहीं है, 7 है और नीचे हमारा क्या 5 है, तो आप देखिए अब क्या ये हमारा प्लस है और यहाँ हमारा भाग का चिन्ह, पहले हम क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 5 + 3/5 और भाग, हम जब भी हम भिन्नों को भाग करेंगे भाग चिन्हों क्या करेंगे हम गुना चिन्हों में बदल कर उसके पछाड़ी वाले भिन्नों क्या करेंगे हम उल्टा देंगे, तो ये ऊपर 5 चला गया और नीचे हमारा 7 आ गया, तो इस 5 को हम काट देते हैं, चलिए और यहाँ क्या बच गया 5 + ऊपर क्या बच गया हमारा सिर्फ 3 और नीचे हमारा 7, अब देखिए 5 का हर क्या हमारा 1 है, 1 तो छिपा रहता है, अब यहाँ देखिए इसका हर क्या है 1 है, इसका 7 है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो हर बराबर करेंगे तभी ना जोड़ेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे हर बराबर कर लेते हैं, तो 5 को 7 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, और प्लस ये तो पहले से इसका हर 7 है, तो हम इसे 3/7 ही लिख देते हैं, अब यानी कि इसका इस दोनों का हर क्या हुआ बराबर हो गया, तो हर बराबर हो गया तो हम क्या करते हैं और उसको जोड़ लेते हैं, तो 35 × 3 = 38, 38/7, अब हम 38/7 को क्या करेंगे मिश्रित भिन्नों में आंसर लिखेंगे, तो 7 × 5 = 35, 38 में से 35 गया तो हमारा बच गया 3 और ये हमारा 7, तो इसका आंसर हो गया मिश्रित भिन्नों में 5 से 3/7, तो हम इसी तरह बिना कोष्ठक वाले भिन्नों को हल करेंगे, यानी पहले हम क्या करेंगे का दिया तो का क्रिया करेंगे, फिर भाग करेंगे, गुना करेंगे, जोड़ेंगे और अंतिम के क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो अगर हमारा मिश्रित भिन्न में है तो पहले हम विषम भिन्न में बदल देंगे और इसी तरह हम करेंगे बिना कोष्ठक वाले भिन्नों का सरलीकरण, तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, धन्यवाद।